जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश से रहा पुल, नगर परिषद अध्यक्ष को ढूंढ रही पुलिस। ऑटो पलटने से 6 लोग हुए घायल। नारगढ़ में घुसा तेंदुआ शावक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बारिश से ढहा पुल, सड़क अर्जुनी ग्राम घाटे गांव के पास गोवारी टोला का पुलिया का निर्माण सार्वजनिक बांध काम विभाग की ओर से 10 वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन घटिया दर्जे की सामग्री का उपयोग किए जाने से मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत फिर से पुल की दुरुस्ती की गई। इस वर्ष हुई बारिश से पुल के नीचे लगे सीमेंट के पाइप बह गए, जिससे पुल के आवागमन करने में दुर्घटना संभावना बढ़ गई है। जांच कर फिर से पुल बनाने की मांग परिसर के नागरिकों ने की है। नगर परिषद उपाध्यक्ष को ढूंढ रही पुलिस। गोंदिया के विधायक गोपाल दास अग्रवाल के निवास पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई करने वाले नगर परिषद के उपाध्यक्ष शिव शर्मा के गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के समय विधायक अग्रवाल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य गाँव गए थे। बताया जा रहा है कि घटना के बाद तनाव का वातावरण बन गया था। ऑटो पलटने से 6 लोग हुए घायल। नवी गांव बंद थाना अंतर्गत एक ऑटो चालक खरजी से फुटाना की ओर जा रहा था, तभी जब्बार टोला तिरगा फाटेकर पर चक्का सड़क के नीचे उतर गया और ऑटो पलट गया। चालक सहित 6 लोग घायल हो गए। कांताबाई शेंडे की शिकायत पर ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्नान ग्राम में घुसा तेंदुआ शावक। नागभीर से 12 किमी दूर पर स्थित मिंडला ग्राम में एक मकान के बाथरूम में मंगलवार की सुबह एक तेंदुए का शावक प्रवेश कर गया। इस शावक को देखकर परिसर में खलबली मच गई। वन विभाग ने पहुंचकर शावक को अपने कब्जे में ले लिया। उसे वन परिक्षेत्र कार्यालय नागभीर लाया गया। शावक की हालत ठीक होने की जानकारी अधिकारियों ने दी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।